ऑफ रोडिंग कति खतरनाक। तो हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी में, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए टैक्सी का फेयर काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ हैं, फिर पहाड़ों के ऊपर। हेलो दोस्तों, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं तोस जाने के लिए, और हम लोग ले रहे हैं अभी स्कूटी रेंट में, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए टैक्सी का फेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने स्कूटी की है, स्कूटी रेंट में ली है, वो भी 24 आवर्स के लिए। कल सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को ये स्कूटी वापस करनी पड़ेगी, और अभी अंका चलाएँगे आप स्कूटी। P66A4247 नीचे से आए हम लोग अभी थोड़ा सा ट्रैक करके, तो चलिए फिर अब तो उसके नज़ारे दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी में, और अपना स्कूटी चला रहे हैं। धूल थोड़ा ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने मास्क वगैरह ले लिया है, और रास्ते में हम लोगों ने अभी मणिकरण पास कर लिया है, और अब तो उसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और रास्ते नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो बेहतरीन नज़ारे हैं। आजकल एक तो मई जून का महीना है, इस टाइम पे यहाँ बारिश वारिश भी हुई थी, तो काफ़ी हरियाली दिख रही है। सामने देखो बर्फ़ की चोटी, स्कूटी में बड़ा थोड़ा सा, तो वो देखो सामने बर्फ़ की। ये बर्फ की चोटी देख रहे थे दूर से कसोल से, ये हमारे इतने पास आ चुकी है, और वो सामने और दिख रहा है। अरे वाह, इधर जो गांव है इतना सुंदर लग रहा है। ये कौन सा गांव है यार, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये तो। वाह की चोटी, वो हमारे पास आते जा रही है, हम उसके पास जा रहे हैं। सारी ये देखो पेड़ इतने सुंदर है, किस चीज़ के पेड़ होंगे यार, ये कलरफुल लग रहे हैं एकदम। अब देखो नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ हैं, फिर पहाड़ों के ऊपर बर्फ की चोटी दिख रही है आप लोगों को, अति सुंदर यार। और रोड तो इस प्रकार की है भाई, ऑफ रोडिंग कति खतरनाक, और मैं ऑफ रोडिंग में ब्लॉग बना रही हूँ।
दोस्तों हम लोग तोश पहुंच चुके हैं जहां रोड एंड होती है। इसके बाद रोड कहीं नहीं जाती, बस पैदल रास्ता है ट्रैकिंग का। हम लोग बैग हम लोगों ने रखा हुआ है, हिम्मी थक गए पीछे बैठ बैठ के। और इतना ख़तरनाक रास्ता है कि मैं क्या बताऊँ, स्कूटी वाला तो भाई बहुत भयंकर था। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, एक आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, अब मैं बाद में दिखाऊँगा क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। आगे होटल में जा कर के, पिंक फ्लॉयड अपना होटल है, बहुत फेमस है, वहाँ जाएंगे, कैफ़े वगैरह में आराम से वहीं रुकेंगे। हमने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है, विजय भाई हैं एक, उनसे उनका नंबर डाल दूँगा अगर कोई आना चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में। फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तोश की वादियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।